किसानों ने अब अपना आंदोलन पीछे नहीं हटना चाहिए। किसानों ने अपने आंदोलन में अब बॉयकॉट, जिस तरह से लाला लाजपत राय जी ने साइमन गो बैक का नारा दिया था, बोर्ड लगे थे, होल्डिंग लगे, उसी तरह से किसानों ने अब बिल गेट्स गो बैक के नारा लगाना चाहिए, उनके होल्डिंग्स लगने चाहिए, तब जाके ये न्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया में आएगी। बिल गेट्स गो बैक, बिल गेट्स भारत छोड़ो, बिल गेट्स हेल्थ मिनिस्ट्री एडवाइजरी कमिटी छोड़ो, ये नारे जब लगेंगे, ये नारे जब लगेंगे, जब ये मीडिया में छप के आएंगे, सबसे बड़े बात है यहाँ पे किसान आंदोलन में कम से कम 20 से 30 लाख किसान भाई वहाँ पे बैठे हुए हैं अलग अलग बॉर्डर्स पे। अगर वहाँ पे बैठे हुए हर एक बंदे ने अपने जो भी उनके अकाउंट है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उस पे जब भी आप पानी पियोगे, जब भी आप खाना खाना जाओगे, नाश्ता पियोगे, चाय पियोगे, जब भी आप यूरिन को जाओगे, जब भी आप लैट्रिन को जाओगे, एक फ़ोटो डालिए और एक रिक्वेस्ट है कीजिए आपके दोस्तों को जो वहाँ पे नहीं है, जो आउट ऑफ किसान आंदोलन है या फिर कहीं है आसाम में, बंगाल में, जो भी देख रहे हैं सब, अगर वो बंदा वो भी जब जब पानी पीने, खाना खाने, नाश्ता करने, वो एक एक फ़ोटो 10-10 जन अगर डालेंगे, हर दिन में करोड़ों फोटो घूमेंगे, एक सोशल मीडिया कैंपेन हैशटैग बिना चलेगा, बिना हैशटैग एक बड़ा आंदोलन, सिर्फ फोटो डालिए आप, आपके फेसबुक पे, आपके ट्विटर पे, आपके इंस्टा पे, आपके जो भी सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप पे, एक ग्रुप में एक एक फोटो डालिए किसान आंदोलन का। और खास करके मेरी रिक्वेस्ट है किसान आंदोलन में गो बैक, बिल गेट्स का बोर्ड होल्डिंग्स, वहाँ पे जो बैठे हुए नौजवान मेरे किसान दोस्त है, मैं भी किसान हूँ दोस्तों, मेरे भी पास खेती है, मेरे फेसबुक, मेरे पेज पे आप जा सकते, देख सकते हैं। तो ये बात समझे आप, वो लड़ाई जो चल रही है किसानों की, वो कॉमन मैन की महंगाई ना बढ़े, गरीब लोगों को खाने का जो फूड राइट है वो उनका छीना ना जाए। मैंने मेरे 25 सितंबर की वीडियो में एक्सप्लेन किया था किसान आंदोलन को कॉमन आदमी ने क्यों साथ देना चाहिए, जो मैंने मेरे वीडियो में कहा था, उसका रीज़न ये है। बिल गेट्स अगर हकाल देते हैं हम, अगर बिल गेट्स को हकाल दिया, ऑटोमेटिक हो जाएगा ये टीकाकरण बंद हो जाएगा, जियोमो फूड बंद हो जाएगा, कृषि बिल वापस लिया जाएगा। ये बिल गेट्स है जो कृषि बिल लाना चाहता है, क्योंकि 8वीं और 9वीं इंटरनेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस भारत में हुई है 2006 के बाद में। अब मोदी का, सॉरी, बिल गेट्स का लक्ष्य भारत पे आया है, जिस तरह से साउथ अफ्रीका बर्बाद कर दी, साउथ अफ्रीके बच्चों की पूरी नस्ल बर्बाद कर डाली टीकाकरण से, ज़मीनें बर्बाद कर डाली जीओमो अनाज फूड और फर्टिलाइजर डाल के, उसी तरह से अब बिल गेट्स भारत की ज़मीन पूरी बर्बाद कर देगा। सॉरी, नेटवर्क कनेक्शन था। आज का रीडिंग देखेंगे। ये है आज की रीडिंग। औरंगाबाद में जो भी कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं वो कोरोना की वजह से नहीं, ये 5G का रेडिएशन है, ऑन करते ही बीप हो चुका है। ये 5G मिलीमीटर फ्रिक्वेंसी आपके बॉडी के सेल्स को पेनिट्रेट करती है। इवन जब ये रेडिएशन 0.5 चल रहा है, 7 चल रहा है दोपहर में, कभी कभी 1.50 तक जाता है, जब ये रेडिएशन 2.4 पे जाएगा दिल की धड़कन रोक सकता है। ये है, ये रीज़न है, 5G रीज़न है आपके केसेस का। ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी रेडिएशन मशीन बोलते हैं, EMF रीडिंग मशीन बोला जाता है। ये है रीज़न आपके कोविड का, ये है, जो नेचुरल वायरस था वो आके पिछले साल के 2 महीने में चला गया है। आपको जो ये दिख रहा है सीवियर इम्पैक्ट, जो सीवियर रिएक्शन दिख रहे हैं कोविड के, सांस लेने में तकलीफ और ये सब सारी है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस जो होता है 5G से। इन्होंने सारी के पेशेंट को उठा के सबको नाम लगा दिया है कोविड का। डॉक्टर कैरी मुलिफ ने कहा है RT-PCR टेस्ट जो है वो डिटेक्शन के लिए नहीं है, डायग्नोसिस के लिए नहीं है, फिर भी बिल गेट्स ने
2019 में उसके मरने की राह देखी, फिर जाके 2019 में उन्होंने ये वायरस इवेंट 201 के नाम, 201 नाम पे लॉन्च किया। ये इवेंट चल रहा है, ये इवेंट 2025 तक चलने वाला है। इस पीरियड में जो भी टीका लेंगे, अलग अलग 180 तरह की बीमारियां, मे बी उसमें भी एक होमोसेक्सुअल भी है और एक HIV भी है और बाकी कई सारी बीमारियां उसमें हो सकती है, होती है। ईरान में होमोसेक्सुअल हुए, लेस्बियन हुए, जो मेरे एक वीडियो में मैंने कहा था, जो वैक्सीन लेंगे mRNA वो होमोसेक्सुअल और लेस्बियन बनेंगे, वो चीज़ ईरान में कन्फर्म हो गई है। जैस 2019 में कैरी मुलिक मर गए, मैंने वही तो कहा, उनके मरने की राह देखी इन्होंने। ये है कोरोना, ये है ना कि वायरस है, ये है जो म्यूटेशन है, वो म्यूटेशन हो रहा है, वे रेडिएशन चल रही है। तोड़ो टावर, बंद करो, उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। योगेश जायसवाल जी, 5G के टावर को बंद कराना, वहां से 250 250, ये है ये। केजरीवाल को, जी मैंने कहा केजरीवाल बी टीम है बीजेपी की, आम आदमी बीजेपी की बी टीम है। तो बचो, बचाओ, जागो, जगाओ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जो जागेगा वही बचेगा।